नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्याह एप्लीकेशन की तरफ से। और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मीमी ग्रुप की तरफ से क्रिएट किया गया एप्लीकेशन है। ओके, अगर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 4.3 की इसकी रेटिंग चल रही है, जो ऑलमोस्ट 3K लोगों ने यहाँ पे रिव्यू करके दिया, यानी कि 3000 लोगों ने ये रिव्यू दिया इस एप्लीकेशन को। ओके, और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं इस एप्लीकेशन के। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है और इसको आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। देखिए दोस्त, यहाँ पे आने के बाद एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या फेसबुक किसी भी तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और पहले से मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता रहा हूँ, तभी वो रिव्यू मैं आपके पास लेकर आ पाया हूँ जो मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो दिखा रहा है कि ग्लोबली यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं। ओके, जैसे इंडिया, ग्लोबल, इंडोनेशिया, ताइवान, अरबिक, ओके, रशिया, ये सारे नाम दिए गए हैं। इवन यहाँ पे नियर बाई का भी ऑप्शन दिया गया है, जो प्रोफाइल्स हमारे आसपास से रहेंगे। और देखिए ऊपर नज़दीक का भी लोकेशन दिखा रहा है कि 4.4 किलोमीटर का, 1.9 किलोमीटर का, बट ये सारा कुछ यहाँ पे फेक है। ओके, ये इस तरह का सिर्फ वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, यहाँ पे ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे प्रोफाइल्स कैसी होती हैं वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए, जैसे 3 ऑप्शन हमें दिखा रहा है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ओके, और ऑलरेडी यहाँ पे इनको इतने सारे गिफ्ट भी दिए गए हैं। ये कुछ प्रोफाइल फ़ोटोज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके, एक मेंबर के ये एप्लीकेशन सही है ये चीज़ बताने के लिए। और हो सकता है कि बहुत हद तक ये एप्लीकेशन सही भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी हैं और बहुत सारे यहाँ पे फेक प्रोफाइल्स भी हैं। अब वो चीज़ कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप देख लें कि यहाँ पे जैसे मैसेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली रैंडमली मैसेज सिर्फ हाई का लिखा हुआ वहाँ पे चला गया, और उसके बाद उनसे क्या रिप्लाई आ रहा है वो सारा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, हेलो हमारे की तरफ से इनको चला गया है। ओके, अब नीचे ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे मैसेज टाइप करने का। मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो ये देखिए आपने देखा कि यहाँ पे अब हमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ऐड रिमूव होगा। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे वीडियो कॉल का भी जो फंक्शन है वो हमें मिलेगा, मैसेजेस का भी फंक्शन तभी मिलेगा। ओके, और जो ग्लोबल एसेस है वहाँ पे, मतलब ये एक चैट फ्री हमें मिल जाएगा और ग्लोबल एसेस का भी हमें मिल जाएगा, मीट यूजर्स वर्ल्ड वाइड, जैसे आप देख पा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अब मेंबरशिप क्या है, 3 मंथ का हमें जो सुगेस्ट कर रहा है जिसपे हमें 30% ऑफ मिल रहा है, और ये 149 रुपीज़ का, यानी कि अप्रॉक्स 49 रुपीज़ पर मंथ हमें पड़ने वाला है। ओके, अगर आप 6 मंथ का यहाँ पे प्लान लेते हैं तो आपको 35 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है, जिसमें आपको ये सारा कुछ अनलिमिटेड मिलने वाला है 6 मंथ के लिए। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे हो जाती हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि आपके सामने सारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जैसे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे जैसे दिखा पा रहा हूँ कि आप देखिए फ़ोनपे से आप रिचार्ज कर सकते हैं, पेटीएम या गूगल पे, किसी भी तरीके को फॉलो करके आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, प्लान आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। ओके, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आगे जाके जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा और आपका मेंबरशिप भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे इनके तरफ से मैसेजेस आ गए। ओके, और ये जो भी मैसेजेस हैं ये सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए होता है, ताकि आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। ओके, और यहाँ पे आ जाते हैं हम बैक। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ऐड भरे हुए हैं एकदम रख रख के, ये सारा इसलिए है, जैसे आपने देखा कि फ्री असेस हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग इस ऐड के थ्रू ही पैसे यहाँ पे अर्न कर रहे होते हैं अपने। ओके, यहाँ से अब हमने ऐड को कट कर दिया। अब ये 3 ऑप्शंस तो हमने देख लिया, अब नीचे देखिए यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे रैंडम मैच का है, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो मैचिंग कुछ भी नहीं होगा, जैसे अभी आपके सामने मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, और जैसे यहाँ पे मैच तो आ गया, बट ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ कुछ सेकेंड की वीडियोज़ रहेंगी और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगी, इसमें से एक्चुअल कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे। ओके, अब यहाँ से हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखिए कुछ जैसे जो स्टार्स हैं यहाँ के वो दिखा रहा है। ओके, और ये है वर्ल्ड वाइड वाला, अमेरिका यहाँ पे सेलेक्ट है। ओके, अगर आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे हम कोई प्रोफाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं। ओके, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर अगर हम जैसे किसी और कंट्री को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी प्रोफाइल्स हैं,
बट सिर्फ वही चीज़ है। और यहाँ पे भी जैसे ये गिफ्ट का बना हुआ है और यहाँ पे भी देखिए ऐड सारे यहाँ पे भरे हुए हैं। ओके अब फिर से एक ऐड आ गया, तो अभी इसको हम ख़त्म होने का वेट कर लेते हैं ज़रा। तो ऐड ख़त्म हो गया, उसके बाद मैसेजेस का ऑप्शन है जहाँ पे हमें सारे मैसेजेस आए होते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ से, और सबसे लास्ट में अपना प्रोफाइल है। प्रोफाइल में जैसे दिखाया गया कि हमारा वॉलेट का ऑप्शन है, और वॉलेट जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फिर से आ गया रिचार्ज का ऑप्शन, और रिचार्ज को हम डिडक्ट करते हैं तो फिर से एक ऐड आ गया। मतलब ये है कि दोस्त देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ने अपने कमाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, यहाँ पे फ्री ऐड एकदम भर रखे हैं एप्लीकेशन ने। ओके और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको मेम्बरशिप यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। मैसेज और रैंडम यहाँ पे मतलब कि आप जब रिचार्ज करवा लेते हो मेंबरशिप ले लेते हो तो उसके बाद रैंडम मैच का ऑप्शन मिलेगा, जो आपने देखा कि कोई भी काम नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट वीडियोस आएंगी आपके सामने। ओके और यहाँ पे देखिए ये क्या क्या दिखा रहा है कि अगर आप अपना ईमेल आईडी ऐड कर देते हो तो आपको 100 कॉइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, डायमंड्स मिल जाएंगे। और आपका वॉलेट क्या है तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्री जम्स क्या हैं, तो उसके लिए आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्री वीडियोस हैं यहाँ पे और स्पेशल ऑफर्स हैं। तो अगर आप फ्री वीडियोस देखोगे तो उसके बाद आपके डायमंड्स यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसी को आप आगे खर्च करोगे उनसे बात करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है जहाँ पे आपका आईडी नंबर रहेगा और लैंग्वेज कौन सा देखना चाहते हैं, और इसके बाद लॉगआउट का ऑप्शन है नीचे अगर आप इस एप्लीकेशन को नहीं यूज़ करना चाहते, लॉगआउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से बात हम बाहर आ जाते हैं। अब देखिए दोस्त इस एप्लीकेशन का जो है मेन निचोड़ वहाँ पे हम आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें मेंबरशिप लेना चाहिए कि नहीं, रिचार्ज करना चाहिए कि नहीं। दोस्त देखिए यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल्स दिखा रही हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा फेक प्रोफाइल्स हैं। ओके और अगर जैसे ये सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो आपको दिखा रहा है, ऐड दिखा रहा है, इसमें से प्रोफाइल को अगर आप ओपन करोगे तो ये सारी रैंडम जो फेसबुक या यहाँ वहाँ से फ़ोटोज़ उठाए हुए रहते हैं। ओके अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे, एक तो आप लाइव इनको देख नहीं सकते, अगर आप कॉल करोगे तो हो सकता है कोई और मेम्बर आपके सामने आ जाए। ओके बट ये है कि ये मेम्बर तो पक्का है कि पीछे नहीं रहेंगे, और हो सकता है कि अगर आप कॉल करते हो कॉल कनेक्ट भी ना हो। जो भी एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का हमें देखने का मौका मिलता है वो चीज़ तो भी एकदम ट्रस्टेड होता है, बट इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं आप लोगों से। ओके जैसे यहाँ पे डॉट में दिखा रहा है कि ये सारी प्रोफाइल्स ऑनलाइन है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ पे मेंबरशिप ले लेंगे ना तो आपके पैसे तो डिडक्ट हो गए, उसके बाद आप यहाँ पे मैसेजेस करेंगे तो एक तरह से रोबोटिक आपका चैट होगा सारा। ओके रोबोटिक आपका बात होगा, और कॉलिंग के लिए फिर से आपको यहाँ पे रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल हम ओपन करके देखते हैं, ओके तो यहाँ पे जैसे इनका कॉल रेट तो दिखा नहीं रहा है, फिर भी अगर हम यहाँ पे कॉल पे कनेक्ट करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कि वीआईपी नोट एक्टिवेटेड, पहले हमें यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और जब हम मेंबरशिप ले लेंगे तो उसके बाद हमें बोलेगा डायमंड्स परचेज करने के लिए, जब हम डायमंड्स परचेज करेंगे फिर इनसे हमारी बात हो पाएगी। ओके अब ज़रा सा हम आ जाते हैं इस एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे आप आके देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे 3 महीने का हमने चार्ज लिया, 149 रुपीज़ हमने पे किया, बट ये एकदम फेल हो गया और ये एप्लीकेशन टोटली स्कैम है। ओके अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे मेंबरशिप लिया है वो सारे एक तरह से परेशान है, और देखिए एप्लीकेशन भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इस तरह के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उसका। तो दोस्त ये है कम्प्लीट रिव्यू इस एप्लीकेशन का। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप बात करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, और मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे डायमंड्स परचेज करने पड़ेंगे, तब आप इनको कॉल कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ मेंबरशिप लेंगे तो आप ऐसे ही रोबोटिक चैट कर पाएंगे, हो सकता है कि कुछ इसमें से प्रोफाइल्स एक्चुअल भी हों, रियल भी हों, बट ज़्यादातर यहाँ पे फेक प्रोफाइल्स हैं। ओके दोस्त और ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, अनलिमिटेड आप यहाँ पे स्पिन कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले भी स्पिन करके दिखा दिया था। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस ऑटोमेटिकली ऐसे ही रिकॉर्डेड हैं, जैसे ये सारे वीडियोस भी हैं ये सिर्फ रिकॉर्डेड हैं, यहाँ पे आपसे कोई भी बात नहीं होने वाला। ओके यहाँ पे जैसे हम इस कंट्री पे आके सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल को हम ओपन करते हैं, हमें बिल्कुल ये दिखाएगा कि ये प्रोफाइल एकदम एक्चुअल है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ओके जैसे ये देखिए ये वीडियो है, अगर आप इसको कुछ सेकंड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इतनी सी ही रिकॉर्डिंग है और इतना सा ही चल रहा है। ओके ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड का एक शॉर्ट क्लिप होता है। ओके अगर आप इसको इतने देर के लिए ही देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोफाइल सिर्फ इतना सा ही काम कर रहा है। तो दोस्त मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे हैं। ओके जैसे देखिए अब ये वीडियो रिपीट हो गया, तो इस तरह के एप्लीकेशन से पहले ही आप सावधान रहें। अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं, पैसे आप अपना खर्च रहे हैं, तो एक ढंग का एप्लीकेशन हो वहाँ पे आप मतलब अपना पैसा लगाएं, चाहे महंगा हो लेकिन एटलीस्ट आपको पता रहे कि कौन सा प्रोफाइल है, किनको आप कॉल कर रहे हैं, इस तरह के एप्लीकेशन में आप अपने पैसे ना लगाएं।
उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।